अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो जी, आज बड़े दिन बाद आई हूँ, मगर वादे के मुताबिक मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी मटन फ्राई, यानी कि उर्दू में अगर बोलूँ तो कुटा हुआ गोश्त की बहुत ही आसान तरीन रेसिपी। तो चलिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो गोश्त विद बोन्स। अगर आप चाहें तो विदाउट बोन्स भी ले सकते हैं, मेरे हस्बैंड को इस तरह से पसंद है तो मैंने ऐसे ले लिया। यहाँ हम लेंगे तकरीबन 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच मैंने लिया है जी लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम इस गोश्त में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे। अगर आप इसको रात भर मैरिनेट करेंगे तो ये और ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगा, नहीं तो कम से कम 1 to 2 आवर्स तक आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड कर लिया जी अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसिकली सारी जो स्पाइसेस है हमें ऐड करना है, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। मैंने तकरीबन 2 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट किया। यहाँ मैंने अपने हाथ अच्छे से धो लिए थे। अब इसको, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ढककर साइड में रख दूँगी। और यहाँ जी 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे, मटन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको पकाने की तैयारी करेंगे। मटन को कुक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप सबके सामने हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून तेल, 1.5 चम्मच हम लेंगे साबित ज़ीरा, 1.5 चम्मच साबित धनिया, 8 से 10 हम लेंगे जी करी लीव्स जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, फिर 1 टीस्पून मैंने लिया जी गरम मसाला। आप अपने हिसाब से स्पाइस लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास लाल मिर्च जो तड़के वाली होती है, साबित ड्राई वाली वो नहीं थी, मैंने हरी मिर्च ले ली, आप साबित लाल मिर्च ही लेना। थोड़ा सा नींबू मैंने ले लिया और साथ ही मैंने ले लिया खूब सारा हरा धनिया। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और उसमें डाल दिया जी 4 से 5 टेबलस्पून तेल, और फिर जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, साबित ज़ीरा और करी लीव्स। अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा गोल्डन होने तक हम भूनेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे जी हम हरी मिर्च। यहाँ मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप लाल मिर्च साबित वाली ऐड करना। और उसके बाद हम ये मटन भी इसमें शामिल करेंगे, मैरिनेट किया हुआ मटन, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और फिर जी इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबित धनिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर यकीन मानिए अगर आप इसको ऐड करेंगे तब ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब ये फाइनली तैयार हो जाता है मटन और आप जब इसको खाते हैं तो ये मुंह में आता है तो बड़ा मज़ा आता है। और इस वक्त धनिए की, ज़ीरे की और करी पत्ता की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। चलिए जी, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया और उसको 4 से 5 सीटी लगवा दी। और फिर देखिए यहाँ मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मटन आपका सॉफ्ट नहीं हुआ तो एक और ऑप्शन है, आप इसको ग्राइंडर जार में डाल लें या फिर जी आप कोई भी प्रोसेसर में डालकर जस्ट गिव इट अ स्मॉल विज, 1-2 पल्स दें आप, उसके बाद इसको फिर भुनाई कर लें तो ये तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने पानी इसका सुखा लिया था, उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि मैं इसको अच्छे से भून कर आपको दिखा सकूं। तो पानी जब सूख गया तब मैंने इसमें जो गरम मसाला पाउडर था वो लास्ट में मैंने इसमें शामिल किया। मैं हमेशा लास्ट में करती हूं ताकि जो सालन का कलर है वो रिटेन रहे। और इसको फिर एक बार हम अच्छे से भूनेंगे। और साथ में एक और टिप मैं बता रही हूँ, ये जो वुडन स्पैचुला है उसकी मदद से आप इसको इस तरह से टैप करते जाएँ, इसको कुचलते जाएँ, मतलब जो भी आप अपनी ज़बान में बोलेंगे, इसको अच्छे से आपने पीटना है गोश्त को ताकि इसके जो रेशे हैं वो टूट जाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने जैसे पहले बताया था ग्राइंडर जार में आप जस्ट गिव 1 पल्स और आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर उसको तेल में अच्छे से भून लेना आप। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जी लेमन जूस
और फिर इसको एक बार एक दो मिनट तक हम और भून लेंगे ताकि जो लेमन की खटास है उसकी वजह से हमारा गला ना बैठे। तो अच्छे से मैं इसको भून लूँगी जब तक कि मेरा तेल जो मटन का है वो सेपरेट ना हो जाए। एक और बात, अगर आप इसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं तो बोन्स हटाकर डालें, वरना फिर बोन्स भी इसके साथ ग्राइंड हो जाएंगे। ये तैयार हो गया, मैंने इसको डिश आउट कर लिया, मैंने इसको लेमन वेजेस इसके साथ काट के रख दिए। और देखें आप, इसमें आपको धनिए के जो सीड्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे, और इतना कोई मज़ेदार था ना। फिर हमने इसको दाल और चावल के साथ मैंने इसको सर्व किया, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत ही मज़े से रेलिश किया। और यहाँ मैं इसको हरे धनिए से गार्निश कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैंने लेमन काट के रख लिए, थोड़ी सी प्याज मैंने काट के रख ली सलाद के तौर पे, और इसको भी मैं इसके साथ लगा दूँगी ताकि बहुत ही अच्छा सा लुक इसका आ जाए। यकीन मानिए, मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे वाकई में भूख लग रही है मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर से बना कर खाऊँ। और इनफैक्ट मैं अभी जाऊँगी बनाऊँगी। ये तो वीडियो पुरानी थी, अब घर वालों के लिए इंशाल्लाह फिर अब जाकर मैं बनाऊंगी। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका गोश्त फ्रेश है तो यकीन मानिए 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमेशा अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरी फैमिली को याद रखिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स डालना ना भूलें, कमेंट्स लिखते रहें, अच्छे वाले कमेंट्स लिखें ताकि मुझे और इंकरेजमेंट मिलती रहे। और अगर किसी ने इसको ट्राई किया तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर अपना जो पिक्स है, आप जो भी पिक्स लेंगे, आप मेरी रेसिपीज़ जो ट्राई करते हैं तो ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं अपनी वीडियोस में भी आपके जो पिक्स है वो लगा सकूँ, सबको बता सकूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरी डिशेस ट्राई की हैं, मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले बहुत खुश होंगे, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।